छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होना अब प्रदेश सरकार द्वारा तय माना जा रहा है। 31 नक्सलियों के एक साथ एनकाउंटर होने के बाद हिंसा को खत्म करने के लिए जवानों का जोश और भी तगड़ा हो गया है। वहीं जवानों की इस कार्रवाई से सरकार भी बेहद खुश है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई भी दी थी। शाह की खास बैठक इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा था कि अब जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा होगा। वहीं इस कार्रवाई की चर्चा केंद्र तक हो रही है। एनकाउंटर के 3 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करेंगे। शाह के इस बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में अमित शाह नक्सलवाद खात्मे को लेकर खास चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कोई बड़ा फैसला लेने की भी संभावना है। अब तक 188 नक्सली देर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र व राज्य सरकार कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है। हाल ही में रायपुर में एक बैठक में शाह ने कहा था, हम मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम साय ने बताया कि पिछले 9 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज प्रस्तापित करना और गैर कानूनी हथियारी गतिविधियों को पूर्णतया से बंद करना, और दूसरा, इतने लंबे नक्सल आंदोलन के कारण एक क्षेत्र जो विकास से महरूम रह गए, विकास वहां पर पहुंचा नहीं, उनकी जो क्षति हुई है वो क्षति को बहुत तेजी से भरते हुए, चाहे टेलीफोन कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे सस्ता अनाज की दुकान और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, ये सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ ये कमी को पूरा करना। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने काफी सफलता प्राप्त करी। 2022 में पहली बार वामपंथी उग्रवाद की मृत्यु की संख्या 100 से कम रही। 30 साल के बाद पहली बार ये आंकड़ा 100 के नीचे टच किया है, वो हमारे लिए बहुत एक प्रकार से आशा की किरण दिखाता है। 14 से 24 में बहुत कम घटनाएं दर्ज होती गई है, ग्राफ लगातार नीचे गया है। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी ग्राफ जबरदस्त आगे बढ़ा है। एक प्रकार से इसका विहंगावलोकन करें तो वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। आज बूढ़ा पहाड़, चक्रबंदा, भीम बांध, ऐसे बरमसिया, ऐसे कई क्षेत्र आज वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गए, वहां पर सैचुरेशन का काम चालू हो गया है।